ओम शांति। आज मधुबन वाले प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 28 अक्टूबर 2022। आज की मुरली के सार में बाबा ने कहा कि भोला नाथ शिव बाबा आए हैं तुम्हारी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। और आज बाबा ने कहा कि कई बच्चे बाबा को ठगने की कोशिश करते हैं क्योंकि बाबा को यथार्थ नहीं पहचानते हैं, भूल करके फिर छुपाते हैं, बाबा को सच नहीं बताते। उन्हें यह नहीं पता कि धर्मराज बाबा तो सब कुछ जानते हैं। फिर बाबा ने सजाओं को कम करने की युक्ति बताई कि बाबा को सब सच सच सुना दो तो कुछ सजा माफ हो जाएंगी और आगे विक्रम न हो उसकी श्रीमत मिलती रहेंगी। और आज बाबा ने एक विशेष बात बताई। बाबा ने कहा कि जैसे लौकिक में 5-7 बच्चे होते हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वकील बनता है तो बाप फूला नहीं समाता, लोग भी उनकी सराहना करते हैं, लेकिन यहाँ तो बाप सभी बच्चों को पढ़ाकर लायक बनाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनाते हैं, परंतु सब बच्चे एक जैसा नहीं बनते। फिर बाबा ने अटेंशन दिलाया। बाबा कहे कई ऐसे फुल कास्ट कहलाने वाले बच्चे हैं जो 5 मिनट भी याद नहीं करते, तब कहते हैं अहो मम माया, मैं बच्चों का ताला खोलता हूँ और तुम बंद कर देती हो। और लास्ट में कहा कि तुम बच्चों को सर्विसेबल बनना है, जो बच्चे दिल से जिगर से सेवा करते हैं उनका रिस्पॉन्सिबल बाबा हो जाता है। फिर कहा कि भल कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी से रूठ जाओ, लेकिन शिव बाबा से कभी नहीं रूठना, वह तो तुमको राज्य भाग्य देने आए हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल महावाक्य विस्तार से। आज मीठे बाबा कहे मीठे बच्चे, भोला नाथ बाप एक हैं जो तुम्हारी झोली ज्ञान रत्नों से भरते हैं, वही कल्प वृक्ष का बीज हैं, उनकी भेंट और किसी से कर नहीं सकते। आज मुरली में प्रश्न है, बहुत बच्चे बाप को ठगने की कोशिश करते हैं, कैसे और क्यों? उत्तर में बाबा ने कहा, बाप को यथार्थ न पहचानने के कारण भूल करके भी छिपाते हैं, सच नहीं बताते हैं, सभा में चिपकर बैठ जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि धर्मराज बाबा सब कुछ जानता है। यह भी सजाओं को कम करने की युक्ति है कि सच्चे बाबा को सच सुनाओ। बाबा कहे यह भी सजाओं को कम करने की युक्ति है कि सच्चे बाबा को सच सुनाओ, तो बाबा कहे उसे क्षमा मिल जाएंगी और कुछ पाप कर्म भी कम हो जाएंगे और बाबा की श्रीमत भी मिलेंगी तो आगे विकर्म भी नहीं होंगे। आज मुरली में गीत बजा है, भोले नाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। बच्चे समझ गए हैं कि भोला नाथ सदा शिव को कहा जाता है, शिव भोला भंडारी, शंकर को भोला नाथ नहीं कहेंगे, न और कोई को ज्ञान सागर कह सकते हैं। बाप कहते हैं मैं ही आकर बच्चों को आदि मध्य अंत की नॉलेज अथवा ज्ञान सुनाता हूँ, तो एक ही ज्ञान का सागर ठहरा, न शंकर न अव्यक्त ब्रह्मा। अव्यक्त ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन में रहता है, बहुत इस बात में मूंझते हैं कि दादा को भगवान ब्रह्मा क्यों कहते हैं, लेकिन अव्यक्त ब्रह्मा को भी भगवान नहीं कह सकते। अब बाप समझाते हैं कि मैं ही तुम्हारा पारलौकिक पिता हूँ, पर लोक न स्वर्ग को न नर्क को कहेंगे, पर लोक है परे ते परे लोक, जहाँ आत्माएं निवास करती हैं, अर्थात शांति धाम व परम धाम को ही परलोक कहा जाता है, इसलिए उनको कहते हैं परम प्रिय पारलौकिक परम पिता, क्योंकि वह परलोक में रहने वाले हैं। भक्ति मार्ग वाले भी प्रार्थना करेंगे तो आंखें ऊपर जरूर जाएंगी, तो बाप समझाते हैं कि मैं सारे कल्प वृक्ष का बीज हूँ, एक शिव के सिवाय किसी को भी क्रिएटर नहीं कह सकते, वही एक क्रिएटर है, बाकी सब उनकी क्रिएशन है। अब क्रिएटर शिव बाबा ही क्रिएशन को वर्षा देते हैं। सब कहते हैं हमको ईश्वर ने अथवा खुदा ने पैदा किया है, तो उस एक ईश्वर को सब फादर कहेंगे, गांधी को तो फादर नहीं कहेंगे, बेहद का रचता बाप एक ही है। वही समझाते हैं कि मैं तुम्हारा पारलौकिक परम पिता हूँ, बाकी आत्माएं तो सब एक जैसी हैं, कोई बड़ी छोटी नहीं होती,
जैसे ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे, तो उस सूर्य चांद की साइज में तो कोई फर्क है, लेकिन आत्माओं की साइज एक जैसे है। बाबा कहते हैं, एग्जाम्पल भल देते हैं कि आत्मा सितारे के समान है, लेकिन उन सितारों की साइज अलग अलग होती है। आत्माओं की साइज परमात्मा की सबकी एक जैसी होती है, सिर्फ पार्ट का फर्क होता है। बाबा कहते हैं, मैं कोई साइज में बड़ा नहीं हूँ, लेकिन परम धाम का रहने वाला हूँ, इसलिए मुझे परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा में ही सारा ज्ञान है। वह कहते हैं, जैसे मैं अशरीरी हूँ, वैसे आत्मा भी कुछ समय परम धाम में अशरीरी रहती है, बाकी स्टेज पर जास्ती समय रहती है। बाबा कहे, तो जैसे तुम आत्मा सितारे सदृश हो, वैसे मैं भी हूँ। अगर मैं बड़ा होता तो इस ब्रह्मा शरीर में फिट नहीं होता। जैसे और सभी आत्माएं पार्ट बजाने आती हैं, वैसे मैं भी आता हूँ। बाबा का भक्ति मार्ग में पार्ट शुरू होता है, सतयुग त्रेता में तो पार्ट ही नहीं, अब खुद बाबा आकर हमको पूरा वर्षा देते हैं, अपने से भी दो रत्ती ऊपर ले जाते हैं। अर्थात बाबा हम बच्चों को भी अपने से ऊंचा बनाते हैं, ऊंचा टाइटल देते हैं, हमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाते हैं। यह तो हर एक बाप का फर्ज होता है, बच्चों को लायक बनाना। कितनी सेवा करते हैं, कोई के साथ बच्चे होते हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, वकील बनता है, तो बाप फूला नहीं समाता। अर्थात जिनके ऐसे बच्चे हो तो बाप को कितनी खुशी होती है, लोग भी उनकी सराहना करते हैं कि बाप ने सब बच्चों को पढ़ाकर लायक बनाया है। परंतु सब एक जैसे नहीं बनते, कोई क्या बनता कोई क्या। वैसे बाबा कहते हैं, मैं तुमको कितना लायक बनाता हूँ, यह बाबा देखो कैसा है, इसका स्थूल नाम रूप कोई है नहीं, दूसरे के तन में प्रवेश कर पढ़ाते हैं। यह हूबहू कल्प पहले वाली पाठशाला है, तो जरूर गीता के भगवान ने गीता पाठशाला बनाई है, जहां सबको ज्ञान घास, ज्ञान अमृत खिलाया है। कोई कहते हैं कृष्ण की गौशाला, कोई कहते हैं ब्रह्मा की, लेकिन है क्या। बाबा कहते हैं, शास्त्रों में तो कोई श्री कृष्ण की गौशाला बोलते हैं, कोई ब्रह्मा की, लेकिन है क्या। जो शिव बाबा को शरीर न होने के कारण ब्रह्मा से मिला दिया है, बाकी श्री कृष्ण को तो गौ पालने की दरकार नहीं। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहते। गांधी भी गीता को उठाई मुख से सीता राम उच्चारते रहते थे, क्योंकि वह राम कृष्ण कछ मछ सब में भगवान मानते थे। पहले हम भी ऐसे समझते थे, हमारा भी बुद्धि का ताला बंद था, अब बाप ने आकर जगाया है। सभी को कब्र से निकाल वापस ले जाते हैं, मच्छरों सदृश फिर उतरते धीरे धीरे अपने समय पर है। तुमको बाप समझाते हैं कि मुझ एक को याद करो, स्टूडेंट को भी बाप टीचर याद रहता है, तुमको तो बाप पढ़ाते हैं, यही तुम्हारा गुरु भी है, तीनों का ही फोर्स है। बाबा कहते हैं, तुमको तो तीनों का ही फोर्स, तीनों की शक्ति, तीनों से प्राप्ति होती है, बाप टीचर सतगुरु, फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हो। बाबा कहे, ऐसे भी फुल कास्ट कहलाने वाले बच्चे हैं जो 5 मिनट भी याद नहीं करते, तब कहते हैं, अहो मम माया, मैं बच्चों का ताला खोलता हूँ, तुम बंद कर देती हो, जरा भी विकार में गया तो बुद्धि का ताला लॉकअप हो जाता है, फिर भी सच सुनाने से सजा कम हो जाती है। अगर आपे ही जाकर जज को अपना दोष बताए तो कम सजा देंगे। बाबा भी ऐसे कहते हैं, अगर कोई बुरा काम कर छिपाते हैं तो उन्हों को कड़ी सजा मिलती है, तो धर्मराज बाबा से कुछ छिपाना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत हैं जो विकार में जाकर फिर छिप कर सभा में बैठ जाते हैं, लेकिन धर्मराज से क्या छिपा सकते हैं, निश्चय नहीं है, तो ऐसे बाप को भी ठगने की कोशिश करते हैं। लेकिन साकार में भल ठग ले, निराकार बाबा तो सब जानते हैं, तुम्हें इस तन से शिक्षा भी वही दे रहे हैं। तुमसे बहुत पूछते हैं कि दादा के तन में परमात्मा कैसे आते हैं, यह तो गृहस्थी था, बाल बच्चे थे, इसमें कैसे आते हैं, क्यों नहीं कोई साधु संत के तन में आते हैं। बाबा कहे, लेकिन परमात्मा को तो पतितों को पावन बनाना है, जो पुजारी से पूज्य बना रहे हैं, ये भी जैसे बाजोली खेलते हैं,
ब्राह्मण ही देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह वर्ण भी भारत में है और कहां वर्ण नहीं। अब मैंने 15 मिनट भाषण किया, ऐसे तुम भी समझा सकते हो। बाबा कहते हैं, जैसे मैं तुम बच्चों को समझाता हूँ, ऐसे तुम फिर औरों को समझा सकते हो। बाबा करके डायरेक्ट बात करते हैं। तुम कहेंगे शिव बाबा ऐसे समझाते हैं, शिव अलग हैं, शंकर अलग हैं, यह भी साफ साफ समझाना है। यह है बाबा का परिचय देना। जब गवर्नमेंट का किताब निकलता है हु इज हु, वैसे ही हु इज हु प्रीऑर्डिनेट ड्रामा, अर्थात पूर्व निर्धारित ड्रामा है, जिसको बाबा कई बार कहते हैं हूबहू ड्रामा रिपीट होता है। हम कहेंगे ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा हैं, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण राम सीता, फिर धर्म स्थापन करने वाले। इस रीति दुनिया पुरानी होती जाती है, तुम देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हो। अब बाप आकर जगाते हैं, कहते हैं सब मेरे हवाले कर दो और मेरी मत पर चलो। श्रीमत तो उनकी कहेंगे, बाकी लक्ष्मी नारायण राम सीता जिनको याद करते हैं वह सब वान मार्ग में चले गए, और कौन श्रीमत दे सकता है। भक्तों की मनोकामना भी बाबा ही पूरी करते हैं। भल कोई कच्छ मच्छ में भावना रखे तो उनकी भावना मैं पूरी करता हूँ, उसका अर्थ यह नहीं निकलता कि कच्छ मच्छ सब में भगवान है। बाबा बहुत रास समझाते हैं, लेकिन समझने वाले नंबरवार हैं, तो पद भी नंबरवार हैं। ये डीटी किंगडम स्थापन हो रही है, धर्म नहीं। धर्म तो दूसरे धर्म वाले स्थापन करते हैं। शिव बाबा तो ब्रह्मा द्वारा राजाओं का राजा बनाते हैं। राजाओं का राजा का अर्थ भी तुमको समझाया है। तुमको विकारी राजाएं पूजते हैं तो कितना बड़ा पद तुमको मिलता है। बाबा की मीठी मीठी बातें तुमको बहुत अच्छी लगती हैं, परंतु फिर उठकर चाय पीते तो नशा कम हो जाता है, अर्थात सन्मुख सुनने समय नशा चढ़ता है, खुशी रहती है, फिर थोड़ा भी इधर उधर ध्यान जाता है तो नशा कम हो जाता है। गांव में गए तो एकदम उतर जाता है, यहाँ तो जैसे तुम शिव बाबा के घर में बैठे हो, वहाँ बहुत फर्क पड़ जाता है। जैसे पति जब परदेश में जाते हैं तो पत्नी आंसू बहाती है, वह तो कोई सुख देते नहीं, यह बाबा तो तुम्हें कितना सुख देते हैं, तो इनको छोड़ने में भी रोना आता है। बहुत कहते हैं हम यहाँ ही बैठ जाए, फिर आपके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे। बाबा कहते हैं कि कई बच्चों को इतना प्यार बाबा से आता है जो कहते हैं कि बाबा हम यहाँ ही रह जाए, तो बाबा उनको कहते हैं कि आपके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, कहते हैं आप संभालो। बाबा कहे हम कितनों के बच्चे संभालेंगे, लेकिन ठहरो सर्विसेबल बनो तो तुम्हारे बच्चों का भी प्रबंध हो जाएगा। बाबा कहते हैं उसके लिए भी ऐसा निश्चय बुद्धि भी बनना पड़े और ऐसा सर्विसेबल भी बनना पड़े। शुरू में थोड़े थे तो उनके बच्चे संभाले, अब कितने हैं, उन्हों के बच्चे बैठ संभाले, उनसे कोई गुम हो जाए तो कहेंगे हमारा बच्चा गुम कर दिया। किसी को संभालने रखे वह भी कहेंगे हम औरों का कर्म बंधन क्यों संभाले। अच्छा फिर तो एक ही शिव बच्चे को संभालो तो वह तुम्हारे बच्चे संभालेगा। बाबा ने कितनी प्यारी बात सुनाई। बाबा ने कहा और सब छोड़ो, एक शिव बाबा बच्चे को संभालो तो वह शिव बाबा बच्चा बच्चों को भी संभालेगा और बाकी सब कार्य को भी संभालेंगे। बाकी ऐसे बाबा को कभी फारकती मत देना, ऐसे बहुतों ने फारकती दी है। बाबा कहे उन्हों को मूर्खों के अवतार कहे, भल कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी से रूठ जाओ, लेकिन शिव बाबा से कभी नहीं रूठना, वह तो तुमको राज्य भाग्य देने आए हैं। इसलिए ऐसे मीठे प्यारे बाबा से रूठ कर पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे मीठे मीठे बाप दादा को गुड मॉर्निंग टू याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार हैं, पहला अपना सब कुछ बाप हवाले कर पूरा श्रीमत पर चलना है, कोई भी बुरा काम करके छिपाना नहीं है। जज शिव बाबा को सच बताने से सजा कम हो जाएंगी। दूसरा पॉइंट है
बाप से कभी रूठना नहीं है, सर्विसेबल बनना है, अपने कर्म बंधन स्वयं काटने हैं। प्यारे बाबा का वरदान है, संगम की हर घड़ी को उत्सव के रूप में मनाने वाले सदा उमंग उत्साह संपन्न भव। विस्तार है, कोई भी उत्सव उमंग उत्साह के लिए मनाते हैं। आप ब्राह्मण बच्चों की जीवन ही उमंग उत्साह भरे जीवन है। जैसे इस शरीर में श्वास है तो जीवन है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास ही उमंग उत्साह है। इसलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है, लेकिन श्वास की गति सदा एक रस नॉर्मल होनी चाहिए। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए या स्लो हो जाए तो यथार्थ जीवन नहीं कही जाएंगी। तो चेक करो कि ब्राह्मण जीवन में उमंग उत्साह की गति नॉर्मल अर्थात एक रस है। आज का स्लोगन है, सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न रहना, यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न रहना, यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। मातेश्वरी मम्मा के अनमोल महावाक्य हैं। मम्मा ने कहा, यह जो मनुष्य गीत गाते हैं, ओ गीता के भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ, अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आए हैं और कहते हैं, हे बच्चे, जब भारत पर अति धर्म ग्लानी होती है तब मैं इसी समय अपना अंजाम पालन करने अर्थात वायदा निभाने के लिए अवश्य आता हूँ। अब मेरे आने का यह मतलब नहीं है कि मैं कोई युगे युगे आता हूँ, सभी युगों में तो कोई धर्म ग्लानी नहीं होती, धर्म ग्लानी होती ही है कलयुग में। तो मानो परमात्मा कलयुग के समय आता है और कलयुग फिर कल्प कल्प आता है, तो मानो मैं कल्प कल्प आता हूँ, कल्प में फिर चार युग हैं, इसको ही कल्प कहते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में सतोगुणी सतोप्रधान है, वहाँ परमात्मा के आने की कोई दरकार नहीं, और तीसरा द्वापर युग से तो फिर दूसरे धर्मों की शुरुआत है, उस समय भी अति धर्मग्लानी नहीं। इससे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में तो आता ही नहीं है, बाकी रहा कलयुग, उसके अंत में अति धर्मग्लानी होती है। उसी समय परमात्मा आई अधर्म विनाश कर सत धर्म की स्थापना करता है। अगर द्वापर में आया हुआ होगा तो फिर द्वापर के बाद अब सतयुग होना चाहिए, फिर कलयुग क्यों? मम्मा लॉजिक की बात बता रहे हैं कि भगवान आए तो फिर सतयुग होना चाहिए, तो द्वापर के बाद फिर कलयुग क्यों? ऐसे तो नहीं कहेंगे, परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की, अब यह तो बात नहीं हो सकती। इसलिए परमात्मा कहते हैं, मैं एक हूँ और एक ही बार आई अधर्म का विनाश कर कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करता हूँ। तो मेरे आने का समय संगम युग है। दूसरी क्लास है मम्मा की। मम्मा ने कहा, यह तो हम जानते हैं कि मनुष्य आत्मा की किस्मत बनाने वाला कौन है और किस्मत बिगाड़ने वाला कौन है। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि किस्मत बनाने वाला बिगाड़ने वाला वही परमात्मा है, बाकी यह जरूर है कि किस्मत को बनाने वाला परमात्मा है और किस्मत को बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य है। अब यह किस्मत बने कैसे? मम्मा कहते हैं, जो किस्मत बिगड़ी हुई है उसको बनाए कैसे और फिर गिरे कैसे, इस पर समझाया जाता है। मनुष्य जब अपने को जानते हैं और पवित्र बनते हैं तो फिर से वो बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते हैं। अब जब हम बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं तो इससे साबित है कि कोई समय अपनी तकदीर बनी हुई थी जो फिर बिगड़ गई है। अब वही फिर बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आकर बनाते हैं। अब कोई कहे, परमात्मा खुद तो निराकार है, वो तकदीर को कैसे बनाएगा? इस पर समझाया जाता है, निराकार परमात्मा कैसे अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा अविनाशी नॉलेज द्वारा हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं। अब यह नॉलेज देना परमात्मा का काम है, बाकी मनुष्यात्माएं एक दो की तकदीर को नहीं जगा सकती। तकदीर को जगाने वाला एक ही परमात्मा है, तभी तो उन्हों का यादगार मंदिर कायम है। अच्छा, ओम शांति।